शामिल करो और बढ़ो, शामिल करो और विस्तार करो। खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन अर्थ बनाने का अवसर है। अपने मन में जाओ, अपने मन का विश्लेषण करो, कहीं न कहीं तुमने खुद को धोखा दिया है। प्रेम एक आध्यात्मिक घटना है, वासना भौतिक। अहंकार मनोवैज्ञानिक है, प्रेम आध्यात्मिक। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। जो जानता है वो जानता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं, जानना काफी है। इससे पहले कि तुम चीजों की इच्छा करो, थोड़ा सोच लो। हर संभावना है कि इच्छा पूरी हो जाए और फिर तुम कष्ट भुगतो। तलाशो मत, पूछो मत, ढूंढो मत, खटखटाओ मत, मांगो मत, शांत हो जाओ। तुम शांत हो जाओगे वो आ जाएगा, तुम शांत हो जाओगे उसे यहीं पाओगे, तुम शांत हो जाओगे तो अपने को उसके साथ झूलते हुए पाओगे। जितनी ज्यादा गलतियां हो सकें उतनी ज्यादा गलतियां करो। बस एक बात याद रखना, फिर से वही गलती मत करना, और देखना तुम प्रगति कर रहे होगे। एक भीड़, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक जाति का नहीं, पूरे अस्तित्व का हिस्सा बनो। अपने को छोटी चीजों के लिए क्यों सीमित करना, सब संपूर्ण उपलब्ध है। जब भी कभी तुम्हें डर लगे, तलाशने का प्रयास करो, और तुमको पीछे छिपी हुई मृत्यु मिलेगी। सभी भय मृत्यु के हैं, मृत्यु एकमात्र भय स्रोत है। तुम्हें अगर कुछ हानिकारक करना हो तभी ताकत की जरूरत पड़ेगी, वरना तो प्रेम पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं, शांत रहो, अपने आप से जुड़ो। तुम जीवन में तभी अर्थ पा सकते हो जब तुम इसे निर्मित करते हो। जीवन एक कविता है जिसे लिखा जाना चाहिए। यह गाया जाने वाला गीत, किया जाने वाला नृत्य है। अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब आपके भीतर एक व्यवस्था निर्मित करना है। तुम तो एक अव्यवस्था, एक केस हो। किसी के साथ किसी भी प्रतियोगिता की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो, अच्छे हो, अपने आप को स्वीकार करो। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है।